अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको हैंडमेड मोतियों से बने हुए बटन और टर्सल बनाने का तरीका बताऊंगी। तो इनके लिए हमें मोती चाहिए होंगे, 3 कलर्स फूल के लिए और 1 कलर उसकी डंडी के लिए। चलिए हम शुरू करते हैं। ये 3 कलर्स हमने लिए मोतियों के, और ये सुई और धागा लिया, बारीक सुई लेनी है, धागे को गिरा लगा देनी है, और साथ में 4 दाने हमने मोती डालने हैं 1 कलर के, और 4 दूसरे कलर के डालने हैं। और 5 मोती तीसरे कलर के डालने। अभी 3 को हम पीछे छोड़ देंगे और 2 में से निकाल देंगे, तो 3 मोती पीछे चले जाएंगे और 2 अगले मोतियों में से हम इनको निकाल लेंगे। फिर 2 हमने दोबारा से ब्राउन वाले मोती डालने, और फिर 2 में से निकालना है, ये ग्रे वाले जो 2 कलर है इनमें से निकालना है ग्रे मोतियों को। और फिर रोजी डाल के ये हम लोगों ने आगे इसको बढ़ा दिया। ये इनमें एक एक लाइन जो है वो फिरोजी की आई हुई है, और ऊपर ग्रीन कलर की 3 मोतियों से ऊपर लाइन आई हुई है, और अभी 2 फिरोजी डाले और 2 छोड़ के 2 फ्रोजे में हमने दोबारा एंटर किया। और 2 फ्रोजे और डाल दिए, दरमियान में उसके पट्टी टाइप आ रहा है। अभी फिर से हम 2 मोती ग्रीन वाले लिए और ऊपर वाले 2 में से निकाल दिए, और ये 3 हम ऊपर दिखा रहे हैं, ऊपर ये ऊंची ऊंची मोती के ऊपर खड़ा हुआ है, ये इसकी डिज़ाइनिंग है। और अभी हमें हमने इसको बढ़ाने के लिए 3 मोती लिए, और 3 मोतियों को पहले 2 छोड़ के दूसरे 2 में से निकाला। फिर से हमने 2 ग्रे मोती लिए, और 2 फिरोजी हमने निकाल लिए, फिर से 2 फिरोजी लिए, और ये आखिरी वाली 2 मोती निकाल लिए। और हमने बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ाना है इसको, लेकिन सारा प्रोसेस वही है, हमने बार बार इसको उसी तरह करना है। लेकिन याद रखना है कि दरमियान में जो 2 कलर्स हमें दिए हुए 2 मोतियों के, वो लाजमी देने हैं, तभी जाके ये पत्ती की खूबसूरती बनती है। फिर ऐसे ऊपर से 3 मोती देके ये ऊपर के पत्ते को शेप देनी है, ये 3 मोती देके पहले 2 छोड़ के दूसरे 2 में से ही निकाल लेना। टाइट बनाना है इसको, धागे को बहुत टाइट रखना है ताकि ये बहुत प्यारा आए और नीचे सॉस में। हमने बार बार वही प्रोसेस करना है जो हम पहले करते रहे हैं।
अच्छे से टाइट रखना है धागे को ताकि ये नरम ना हो पाए। बहुत खूबसूरती और बहुत सफाई से बना जा रहा है। इसको बुनने के लिए बारीक नीडल्स की जरूरत होती है। पहले दो को छोड़ के दूसरे को नहीं डालना है। देखिए कितना प्यारा आ गया है। इसलिए अभी इसका साइड से इसको टांका लेना है मजबूती से ताकि खुलने ना पाए। और आपने इसमें सूतर यूज़ करना है, धागा कट जाता है मोती की वजह से, लेकिन आपने सूतर यूज़ करना है और उसको तीन या चार दानों में से यूँ करके गुजार देना है चुनट बनाने के लिए। हर तीन और चार दानों में से यूँ करके गुजार लेना है ताकि इसकी अच्छी और खूबसूरत चुनट आ जाए। इसको भी आराम से खींच लेना है ऐसे करके, ऐसे खींच लेना है तो आपकी ये गुलाई का पत्ते के ऊपर की शेप तैयार हो गई है। अभी आपने इसकी डंडी बनानी है। इसको टसल्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है और इसको बटन्स के लिए भी यूज़ करते हैं। चार दाने डाल के इसके पहले दाने में से निकाल के ये रिंग बना लेना है तो चार ऐसे सामने हो जाएंगे। फिर तीन दाने डालने हैं, तीन मोती डाल के फिर जो ऊपर का मोती था उस एक में से निकालना है और जो पिछला उसमें मौजूद है इन तीनों को उस एक में से निकाल देना है। फिर यहाँ से दो में लेना है, दो में लेके और दोबारा से तीन मोती डालने हैं। दो में जब आ जाएगा तो दोबारा से तीन मोती डालने हैं। अब तीन को दोबारा से उसी एक में ऐसे गुजार देना है तो ये ऊपर इसके तीन का ये उभार सा बन जाएगा। तो ये डंडी ऐसे ही बनानी है, ऐसे दो में से गुजार के और तीन डाल के हर बार में ऐसा ही करना है। डंडी आप जितनी मर्जी डंडी बना लें, छोटी बना लें, ये आपकी अपनी मर्जी। ये देखिए अभी ये डंडी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम फूल के साथ अटैच करेंगे। तीन मोती डाल के इसको एक दाने में से, एक कॉर्नर वाले दाने में से गुजार देना है। इसमें दोबारा से मोती डालें, तीन मोती डाल के को दोबारा से गिरा लगाई और अभी दोबारा से तीन मोती डाले। और इसको थोड़ा सा फासले पे चुनट के बीच में से ले लिया। और यहां से फिर हमने दोबारा से तीन मोती डाले। यहाँ
इसको टाइट करके हमने दोबारा से तीन मोती डाले और इसको फिर से डंडी के बीच में से ऐसे ही गुजार दिया। अभी हमने ये प्रोसेस सारा एंड तक ऐसे ही करना है। तीन तीन मोतियों के जरिए इस पत्ती की नीचे शेप जो है हमने बनानी है। ऊपर की तरफ भी जाते वक्त तीन मोती डालने हैं और वापस पलटते वक्त भी तीन ही मोती डालने हैं। तो ये आपका पत्ता कंप्लीट हो गया है। ये आपका पत्ता बहुत खूबसूरत कंप्लीट हुआ है। इसे बटन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और टसल्स के तौर पे भी। इसके पीछे स्टिच बटन लगा दिए। वीडियो एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।